हेलो, आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक का नाम है हिंदू विवाह। हिंदू विवाह आज 1 मई 2024 और आज एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है हिंदू विवाह के बारे में। एक मैटर आया था जिस पे हिंदू विवाह क्या होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया है कि जो हिंदू विवाह होता है वह किसी एक ऐसा आयोजन है जिसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है कि जो कोर्ट ने कहा कि यह नाच गाना गीत प्रोग्राम शराब पीने का जगह नहीं है। शादियों में भी क्या हो रहा है, नाच गाने ज्यादा हो रहा है, लोग दारू वारू पीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नाच गाना दारू शराब खाने पीने, लोगों को लगता है कि यही हमारा क्या है कल्चर है, ये सब करते हैं लोग। लेकिन ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यह जो है कि यह गीत और नाच गाना शराब पीने का जगह नहीं है, बल्कि ना ही यह कोई ऐसा चीज है जिसमें क्या है किसी दबाव के द्वारा दहेज जो है लिया जाता है या फिर उपहार किसी चीज की मांग की जाती है, सब ये सब चीजों के लिए आदान प्रदान करने का जगह नहीं है। लोग शादी में क्या करते हैं, फलाना के लड़के की शादी होता है इतना दहेज चाहिए, हमारे लड़के की शादी हो रहा है इतना दहेज चाहिए, और देना कोई नहीं चाहता है, लेना सब कोई चाहते हैं। हम अपनी लड़की की शादी में दहेज लेना चाहते हैं लेकिन अपनी बिटिया की शादी में दहेज देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि दहेज लेना या फिर कोई सामान वामान की मांग करना ये सब इस शादी का मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि जब भी हिंदू विवाह होता है तो वैध कब माना जाएगा, हिंदू विवाह वैध कब माना जाएगा, जब क्या होंगे अग्नि के सामने कितने फेरे होंगे, 7 फेरे होंगे और इसी को हम वैध मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हिंदू विवाह वैध कब होगा जब अग्नि के सामने कितने फेरे होंगे, 7 फेरे होंगे और इसी को क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा, ठीक है। ये अधिनियम है आपका, विवाह अधिनियम है, विवाह अधिनियम 1995 में यह चीज दर्ज किया गया है कि यह क्या करता है, यह हिंदू विवाह की पवित्रता को, हिंदू विवाह की पवित्रता को क्या करता है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि यह वैध कब माना जाएगा, जब सबकी सहमति से 7 फेरों के सामने, अग्नि के सामने 7 फेरों के सामने जब शादी विवाह होगा उसी को। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह शादी को हम लोग शादी की नजर देखते हैं लेकिन इसको हम लोग किस नजर से देखें, यह एक त्योहार की नजर से देखें हम, यह क्या है एक त्योहार की नजर से देखें, जिस त्योहार में कैसा आयोजन करते हैं, त्योहार क्या है कैसा, जिसमें एक पुरुष की शादी एक महिला से की जाती है, एक पुरुष की शादी, एक पुरुष की शादी एक महिला से शादी संबंध किया जाता है, जो बाद में चल करके जो शादी के बाद क्या बनते हैं, पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं, जो पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक। शादी किसे कहते हैं, हिंदू विवाह में क्या है, एक पुरुष की शादी एक महिला से होती है, जो जो क्या किया जाता है, पति और पत्नी का दर्जा जिनको प्राप्त किया जाता है। हिंदू विवाह क्या है, हिंदू विवाह एक क्या है, हिंदू विवाह एक संस्कार है, हिंदू विवाह क्या है, एक संस्कार है जो हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति सभ्यता इत्यादि क्या करता है, दर्शाता है। यह हमारी संस्कृति सभ्यता को क्या करता है, दर्शाता है। आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे कि रामायण देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शादी हुई थी तो 7 फेरों के साथ हुई थी, जब उस समय से यह प्रथा चली आ रही है, लेकिन अभी अभी के जमाने में अभी बढ़ते हुए विकास के क्रम में हमारी सभ्यता को क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और शादी को हम क्या करते हैं, नाच गाना दारू शराब यही सब चल रहा है। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट क्या किया, सब निर्देश दिया है कि दहेज लेना देना तो पाप है, आपको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग नहीं मानते हैं, दहेज प्रथा क्या है, पाप है, दहेज प्रथा नियम के खिलाफ है, ठीक। दहेज न लें, नाच गाना दारू शराब ये सब का आयोजन न करें, बल्कि उसको हम अपनी संस्कृति सभ्यता जिस हिसाब से कल्चर हमारा बनाया गया है उस कल्चर के हिसाब से अपनी शादी को क्या करें, पूर्ण करें और
यही एक फैसला मतलब आया था, हम सोचे आप लोग एक छोटी सी टॉपिक है जो आपको हम बता दें। थैंक यू।